भागलपुर कहलगांव ओरियप पंचायत के निवर्तमान मुखिया त्रिभुवन शेखर झा द्वारा अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में ओरियप पंचायत के प्रत्येक गांव, गरीब मजदूर किसान को लाभ पहुंचाने और पंचायत को विकसित करने का काम किया जा रहा है। आइए ओरियप पंचायत के निवर्तमान मुखिया त्रिभुवन शेखर झा से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार से एक खास बातचीत की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ओरियप पंचायत के मुखिया त्रिभुवन शेखर झा से अभी हम बात करेंगे कि ओरियप पंचायत जो है विकास के मामले में किस तरह बल है। सर ये बताइए कि आप जो है विकास पुरुष माने जाते हैं और 3 बार आप जो है इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और विकास पुरुष के नाम में जाने जाते हैं, तो आप जो इस बार जो पंचायत का प्रतिनिधित्व 5 साल किए, तो ये 5 साल में आपने कहाँ तक जनता को लाभ पहुँचाने का काम किया है, विकास अंगली जमा धराता पर लाने का काम किया है। पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है और महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता जी का जो सपना रहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ का जिस दिन कोई भी लाभ उसकी पूर्ति के अनुरूप हो जाए तो उसको पंचायती राज व्यवस्था को सफल माना जाए, हमने उसी पर काम करना प्रारंभ किया। 2001, 2006, 2016 के चुनाव में जनता ने मुझे प्रचुर बहुमत देकर विजयी बनाया। आज मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं और गौरवान्वित महसूस करता हूं कि जो जिस पंचायत में, जिस इलाके में चलने की सड़क नहीं थी, लोग कच्ची मिट्टी में चलते थे, चाहे वो नवादा गांव हो जहां पर कि मेरी महिलाएं, माँ बहन या बड़े बुजुर्ग को ठेला पर लेके जाना पड़ता था, आज PCC सड़क पर वो गांव जाते हैं, पूरा गाँव पक्की सड़क बन चुका है। जहाँ पर एक बिजली की व्यवस्था नहीं थी, 2-2 ट्रांसफार्मर हमने लगवाया अपने प्रयास से, आज वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है, लोक शिक्षण केंद्र की भी स्थापना मैंने किया और वहाँ स्कूल का बिल्डिंग भी मैंने बनवाया, आज बाउंड्री वॉल हो गया, आज वहाँ उस गांव में एक भी ऐसा परिवार नहीं है जिसको PHH अंतर्गत लाभ नहीं मिल रहा है। यह इससे अपने आप को सुकून मिलता है और जो पिछड़ा क्षेत्र हमारा है, हम सवर्ण जाति से आते हैं, लेकिन जो प्रेम, जो मजबूती हमारे विकास को देखकर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित परिवार ने दिया है, अल्पसंख्यक परिवार ने दिया है, हम तहे दिल से और मेरा रोम रोम उनका कृतज्ञ हैं और उनके द्वारा ही आज जो विकास की परिधि हमने पार किया है, आज मेरे पंचायत में एक एक गांव में बिजली की व्यवस्था है, हर जगह समुचित सड़क की व्यवस्था है, सरकार ने हमें जो अधिकार दिया, जितना सरकार के द्वारा हम ले सकते थे उसका हमने भरपूर सदुपयोग किया है। मेरे क्षेत्र में चाहे विद्यालय की बात करें तो मेरे यहाँ पर जिस विद्यालय में मैं पढ़ा था, प्राथमिक विद्यालय था, उसे उत्क्रमित मध्य विद्यालय मैंने बनवाया और आज वह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में है और वहाँ पर जो कच्ची जमीन की व्यवस्था थी, बच्चों को मैंने देखा कि कच्ची में बहुत परेशानी है, आज वहाँ पेवर ईट सोलिंग कराकर, बिल्डिंग का निर्माण कराकर, बाउंड्री वॉल देकर समुचित स्कूल की व्यवस्था है। आज पहाड़िया टोला ऐसा सुदूर इलाका जो पूरी तरह जनजाति है, वहां पर सड़क, पानी, बिजली की समुचित व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत पंचायत ने किया है और जो भी कार्य है वह जनता के लिए है और जनता के द्वारा आयोजित, प्रायोजित है, उन्हीं के मदद से आज हम मुखिया हैं और उन्हीं के काम करने को लेकर हम तत्पर रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत लगभग इस वित्तीय वर्ष में 572 प्रधानमंत्री आवास लाभुकों को वितरण हुआ है, जिसकी सूची राज्य स्तर से हम लोगों को उपलब्ध होती है और उसी में से, उस सूची में से मिलना है। कोई भी गरीब परिवार आज सरकार की जो मनोदशा है उसमें गृह विहीन नहीं रह सकता है। जब आप काम करेंगे तो आपकी गलतियों को भी गिना जाएगा। आप घर में खाना बनाते हैं तो जो मेहनत कष्ट है उसी के काम को परखा जाता है, उसी का मूल्यांकन होता है। मैंने काम किया है, आज जनता के बीच जितना भी, चाहे वो PHH कार्ड हो, मैंने अपने से 793 कार्ड एक बार और 532 कार्ड एक बार, जिसमें परिवार को, मैं जैसे एक परिवार का नाम आया, 5 परिवार छूट गया था, बिना किसी को लाइन में खड़ा कराए, मैं गर्व के साथ कहता हूं, बिना किसी को लाइन में खड़ा कराए, RTPS पर अपना खड़ा होकर
सबों का कार्ड रिसीव कराना, सबों को वितरण कराना, और आज जो भी कार्य यहाँ पर चल रहा है, चाहे वो ये वृद्धजन पेंशन योजना हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धजन पेंशन हो, किसी में भी किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का कोई जगह नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो विकास की बातें होती हैं, जो हर जगह जब चांद में दाग लगा रहता है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो हम बैठे हैं तो हम मुझे लोग काजल की कोठली में कलंक का टीका नहीं लगाएंगे, लेकिन मेरे साथ जनता है, मैं विकास जानता हूँ, मेरे अंदर जातिगत की कोई भावना नहीं है, मैं आम जन के साथ हूँ, और मैं पुनः मुझे अपने कार्य पर भरोसा है। जो विरोधी है वो विरोध की बात करेंगे, लेकिन आम जनों में अगर किसी तरह की बात है तो मैं उसे इस वित्तीय वर्ष में, इस कार्यकाल में, अगर उन्हें विकास के प्रति कहीं मेरे लिए कोई असंवेदनहीन बातें नजर आई होंगी तो मैं उस कमी को दूर करूंगा। अब पुनः जो है चुनाव होने जा रही है, इनका मुद्दा विकास ही रहेगा, क्योंकि विकास ये जो है धरातल पर लाने का काम किए हैं, और आगे भी आदर्श जो है ये गांव को या पंचायत को जो है यहाँ पर बनाने का इनका वादा है, वो करेंगे। मैं R9 भारत के लिए अरविंद कुमार भागल।